ये जारी है और ये जारी चलेगा. Divine thinking, God's way of thinking. जब हम एक बहुत अद्भुत सोच जो है दैविक है, जब हम सोचते हैं तो खुदा उसी तरह सोचते हैं. Human thinking is towards the world. इंसान दुनिया के तरफ जैसा सोचता है. और आज सबसे बड़ी जो चीज है, don't conform, be transformed. Conform मत करो. Don't conform that your sickness is this. Get transformed. Amen. बदल जाओ. बदल जाओ क्योंकि आपकी बीमारी भी बदलने वाला है आज. Amen. आपकी बीमारी चंदन में बदलने वाला है. और आज रोगी के पत्र 12 के एक रोज चैप्टर 12 1. What I'm doing is laying down the word of God, which is a foundation. हम वो वचन ही दे रहे हैं जो कि निव है किसी के ऊपर. आज परमेश्वर चल रहे हैं. Now the scripture says, 12 की 12 है एक बार. अतः हे भक्तिगण, ईश्वर नाना कोणार अनुरोधे आमी तोमादिगके विनति करितेछि, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত পবিত্র ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলি রূপে উৎসর্গ করো, ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরাধনা. Therefore I urge you brothers, in the view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So आपकी आराधना यही है कि आप अपने पूरे शरीर को हवाले कर दें. हमें कल ही कहा था, आपको जिसे आपका शरीर लगता है, जिसमे आज बीमारी आके कर रहा है, जो द सिकनेस इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर डोर, वरी इज टेंशन नेक्स्ट टू योर डोर, जो आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि ये इंसान है, मगर आज तक आपको मालूम नहीं है कि आप सिर्फ इंसान नहीं है, आपके देह परमेश्वर के मंदिर है. योर बॉडी इज अ टेंपल ऑफ अ लिविंग गॉड एंड इफ द सिकनेस बॉडी इज टेंशन सीज द लॉर्ड in your heart, in your heart, in your mind, he will flee from you. Amen. He will flee because your body is a temple of God. आपके शरीर परमेश्वर के मंदिर है. मसीह जब मृत्यु के सामने खड़े हुए तो मृत्यु भी घुटना देती है. मसीह जब खड़े हुए तूफान के सामने तो उस तूफान घुटना देगा. अपाहिज को उठा के खड़े कर दिए क्योंकि उन्हें मालूम है ये जलाली बादशाह है. Amen. ये जलाली बच्चा, he is a wonder working God. आज यहाँ कुछ नहीं है, हम इसे शरीर समझ रहे. That's what you think, that it is your body. But God says, this is my temple. How would you think that's your body? That's my temple. हमारी सोच बदलना है. Actually, we have to change the way we think. बात के दो जब हम पढ़ते हैं, do not conform any longer to the pattern of the world. कहते हैं संसार के जैसा मत सोचो. Don't think the way the world thinks. Don't get that pattern. Don't get that pattern. कि आप अगर वैसे ही सोचोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नहीं सही हो जाएगा. इसे do not conform the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Then you will be able to test and approve God will. He is good, pleasing, and will perfectly well. Amen. परमेश्वर आपको सोचना है. कहता है कि संसार के जैसा मत सोचो, पर परिवर्तित हो जाओ, अपने मन को बदल दो. आप करेंगे अध्ययन भी जाएंगे, आपके हार्ट भी बढ़ जाएंगे. अब ज्यादा दिन आपके हार्ट भी बढ़ जाएंगे तो आपके हार्ट के आदत बढ़ जाएगा. फिर बात बातों में ऑफ में मारना शुरू कर देंगे. आप जाके इसी की कमाएंगे. It was on when I was seeking for an ECG. I was scared. And I knew the moment I'm not sure ECG, they were in 50 years city. Your ECG is back, you have to go for echocardiogram, or you have to go for, again, a stress ECG. I said, give me 5 minutes back. Give me 5 minutes back. I said, Lord, I believe. I trust you. मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ. And I said, Hallelujah. Hallelujah. I was breathing in Hallelujah. 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 And then I sat for peace. It was perfect. He says, absolutely healthy. Because
मैं अपने टेंशन को दूर कर दिया, आप इस टेंशन को दूर कर दीजिए, क्योंकि जला भी भाषा किंग ऑफ किंग द लॉर्ड इज नॉट आपके साथ खड़े इज देयर आमेन। वो खड़े हैं और आते हैं बच्चों को देखते हैं। The reasonable service refers to the spiritual worship. आपका अगर आत्मिक आराधना से everybody से हम आराधना करें आत्मिक आराधना that your body is not your body is a temple of the living God. क्योंकि आत्मिक आराधना में आप खड़े रहेंगे और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में होंगे और परमेश्वर आपके सामने में होंगे and you worship. आप अपने दिल से अपने मन से आराधना करोगे। He said, "Hello, Israel." Lord thy God is one God, एक ही परमेश्वर है। अपने मन से, अपने मन से, अपने पूरी शक्ति से आराधना करो। आमीन। पूरी शक्ति से, put everything in it. When we present our body daily to God, it is our spiritual worship. जब रोज आप अपना शरीर को परमेश्वर को देता है और खड़े होके कभी कभार कुछ मत बोलिए, don't say anything. God knows everything. कभी मैं नहीं बचता हूँ। You know everything and now I'm here. Be to me according to thy word. Let it be done to me. Let it be what you want. And you'll find the perfect will. आपको मालूम चलेगा परमेश्वर क्या करने वाले हैं। You come to know what is God is able to do. बालम का गधा से बलवा सकता है। और आज जब आप वचन को देखते हैं, and we see the word of God. When we see the word of God, when we praise, we thank God for He has given. What He has given. आप पहली चीज़ है, आप धन्यवाद दे रहे हैं, हमें परमेश्वर क्या दिया, क्या नहीं दिया, वो बात नहीं, क्या है इसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये नहीं है, आमीन, आमीन, ये नहीं है, most of the people don't have, और आज हम धन्यवाद दे रहे हैं क्या है? और फिर खुदा और भी देगा और भी धन्यवाद हम देंगे। आमेन। He says, we return something back. हम कुछ वापस करते हैं। ये है धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Do not be confirmed. Do not be molded by all the world's pressure. इस संसार की जो दबाव है, इससे बदल मत जाइए। ये संसार की मायूसी आपको मायूस ना करे। अब बदल मत जाइए। Do not be in pressure. Change by inward pressure. आपको अगर बदलना है तो अंदर से जो प्रेशर आ रहा है वो आपको बदलेगा और अगर ये वचन है तो ये बदल देगा परिस्थिति को। आमेन। Things will change. परिस्थिति बदलेगा। आमेन। The inward pressure is the Holy Spirit. जो आपके अंदर में है वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने रखा है। आमेन। You have the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, anointed. Of the Holy Spirit, temptation, lust, reasoning, हो सकता है बाहर में, हो सकता है हमें हमें किसी चीज में लोभ आ जाए, हम किसी चीज से के प्रभावित हो जाए, हो सकता है, is a possibility कि ये हो सकता है हमारे जिंदगी में, मगर एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, the inward pressure, Holy Spirit, a promise of God. एक अंदर में आत्मा है जो आपके साथ है। कभी आत्मा कभी बात सुनिए वो आपको रोक देगा। आप गलत काम करने जाएगा आत्मा आपको रोकेगा। एक बार अंदर की बात सुनिए, कोई चीज बोलने का आगे एक बार सोच लीजिए क्या मैं सही कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बता देगा ना बेटा गलत कर रहा है, वो बता देगा ना ये गलत है, ये गलत है। बहुत समय बहुत सारी चीज मेरे साथ हो चुका है। अच्छा हो रहा था, मैं सोचा था मैं अभी उठ के मैं विद्रोह करूंगा। आई विल स्पीक, आई विल टॉक, आई विल बैटल, मैं उठूंगा, मैं बोलूंगा। मैं आवाज ही नहीं होता, मैंने बोला ही नहीं, मैं सब नीचे कर गया, कुछ बोलना चाहता था, मैं जब आ रहा था मैं उसे बोल दिया, मैं बोल देता ना तो मुझे तसल्ली होता, मुझे तसल्ली होता, मुझे तसल्ली होता, मैं यही बात सुनते सुनते होता। मगर जब मैं प्रार्थना में बैठा तो मुझे लगा नहीं अच्छा हुआ नहीं बोला, ये तो मैं दुआ नहीं कर पाता, खुदा को मुंह नहीं दिखा पाता। इट्स गुड दैट आई एम नॉट दैट गुड।
हम लोग बहुत चीज है, बहुत सारी मोह माया में फंस चुके हैं, हम लोग बंद के हैं। ये समय है एक बार खुदा से पूछ लीजिए, वो सामर्थ्य देगा, वो शक्ति देगा। Permission to collaborate with the promises of God is a supernatural ability by the Holy Spirit in us. Permission to जो वादा किया है, ये अद्भुत शक्ति है पवित्र आत्मा द्वारा जो आपके अंदर में बैठा है। इसीलिए हमारी जिंदगी कुछ अलग जिंदगी है। Our thoughts are centered around God, क्योंकि आपके सोच परमेश्वर पर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बीच में आ चुका है। आप देखिए जब मीटिंग के बाद होते हैं, आप घर में बैठ नहीं सकते, आप चले आते हैं। यू खुद का आप अपने काम वाम छोड़ के घर छोड़ के चले आते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपके जीवन मसीह के अंदर जीवन हो चुका है। आमेन। इट इज द गॉड सेंटर, सो वी आर लिविंग एवरीथिंग। आप ये भी नहीं सोचते कि मेरे घर में कुछ को चोरी करने, मेरे घर में कुछ हो जाए, आप कुछ नहीं सोचते, आप सब छोड़ के आते हैं। और आज जब हम कलाम को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, नाउ द वर्ल्डनेस God changes each and every day inside to where the world pressure is. परमेश्वर आपके अंदर के जो world का pressure, दुनिया की जो pressure है, इसे हर रोज परमेश्वर लड़ता है आपके साथ। The spirit rebels and fights with you. तो आत्मा आपके अंदर में रह के लड़ रहा है ताकि आप सही काम करें। और कहता है, greater is he that is in us than he that is in the world. मेरे अंदर में जो है वो महान है, बल्कि वो नहीं जो संसार में घूम रहा है, वो छोड़ चुके जो बीमारी, हर तरह का मुसीबत, तकलीफ, हर तरह का गुना बाहर की घूम रहे इंसान के मुंह में लगा देने की, वो तो खाली जैसा बोलना चाहता है, पर वो मसीह है जो अपने लहू से कुछ भी साफ करने वाले हैं। Amen. और आज हम उसी चीज के लिए come to be healed by His wounds and stripes। हम आए हैं ताकि हमें विश्वास मिले परमेश्वर से। और आज को एक चीज, God changes each us every day। The worldliness, जिस तरह रोमियों के पत्र 12 के 2 में कहता है, Do not conform any longer to the pattern of the world। आप दुनिया के जैसा मत बने, वो pattern मत पकड़िए। डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा, डॉक्टर का वो करवा देंगे, डॉक्टर ने बहुत कुछ कह चुका है। और ये चर्च की गवाह है कि डॉक्टर ने कहा था कि ये एक्सेस है, इस पर हमें ऑपरेशन करेंगे, क्या बात है, क्या बात, एक्सेस ही नहीं जुटे पाए। या मैंने उस दिन धन्यवाद दी कि सारे के सारे सिस्ट और बीमारी सब कुछ चले जा चुका था, क्योंकि गॉड इज टेकिंग केयर। हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हमारे मसीह है। आमेन। आवर गॉड, हमारे समस्या का समाधान हमारे परमेश्वर। और आज जब हम कलाम को देखते हैं और कलाम को समझने की कोशिश कीजिए, thoughts that are causing us to be worldly, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे संसारिक बना रहा है, making us more worldly, जो दुनिया के तरफ बना रहे हैं। आप उस चीज को पकड़िए। thoughts that are causing us to be godly, इस दोनों चीज को अलग कीजिए। कौन सी चीज है जो आपके परमेश्वर की ओर ले जा रहा है, और कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर से नहीं दुनिया में ले जा रहा है। इस चीज के बारे में जरूर सोचिए। Just think about it. आपको मालूम चलेगा कहाँ आप पहुंचना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संगति भी कुछ खराब हो, क्योंकि संगति के असर फिर नहीं, जैसे हमारे ये संगति के असर कौन से, हम अच्छे एकदम धुए कुछ करते हैं, मेरे भाई बहनों, हम सब धागे और मैदान छुटका सभी पापी गुनहगार है, मगर हम सोचते हैं एक जैसा जैसा कलाम सोचवाता है हमें, हालेलुया, इसलिए हमें कलीसिया बन चुका है, इसीलिए हमें कलीसिया बन चुके हैं जिसे खुदा ने बुलाया और हम आ गए, और इसे लोग कलीसिया कहते हैं, और हम खुदा के खदम इसे दुल्हन करते हैं। दुल्हन है जो मसीह का प्यार होता है, मसीह का अर्धांगिनी होता है। और आज कलाम आपको यही दिखा रहा है, फिलिपियों के पत्र 4:8, फिलिपियों के पत्र 4:8, অবশেষে হে ভাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়,
जहाँ जहाँ न्याय जहाँ जहाँ विशुद्ध जहाँ जहाँ प्रीति जन जहाँ जहाँ सुख्याति जन जे कोनो सद्गुण ও যে কোনো কীর্তি হোক সেই সকল আলোচনা করো আমেন আপনি কি কি কর রহে হ্যায় বতাতে হ্যায় ইট সেজ ফাইনালি ব্রাদার্স হোয়াট এভার ইজ ট্রু হোয়াট এভার ইজ নোবল হোয়াট এভার ইজ রাইট হোয়াট এভার ইজ পিওর হোয়াট এভার ইজ লাভলি হোয়াট এভার ইজ অ্যাডমিরেবল ইফ এনিথিং ইজ এক্সেলেন্ট অর প্রেজওয়ার্থি থিংক অফ সাচ দ্যান ইউ থিংক গুড থিংস হার আচ্ছা চিজ সোচো হার আচ্ছা চিজ সোচো বহুত লোক আচ্ছা চিজ সোচ নেই সকতে अच्छी चीज कर नहीं सकती आज को देखने से भी हंसी आता क्योंकि मोबाइल कभी कभार सबके सामने खोलने में भी डर लगता है या फेसबुक खान खोल लिया किसी की बीवी अपने पल्लू गिरा के टिकटॉक पे नाच रही है कभी कभार नजर आता है कि लड़की छोटे छोटे हाफ पैंट पहन के कूद रही है नाच रही अब वो अपने झटका मारते जा रहे जैसे करंट की झटका आई हो और वो करते जा रहे खुशी खुशी उसे आनंद आता है भले लोग को देख के आनंद ना हो हंसते मगर उसे आनंद आता है ही लाइक्स शी लाइक्स इट और ही लाइक्स हर तरह का मजाक चीज बना बना के चला रहा है और लोग देख उसे कितना हंस रहा है किस बात का हंसी खुद गड्ढे में गिर जाओ तुम्हें मालूम चले हंसी कितनी है सिर्फ एक बार सोचने उस जगह में अगर आप होते हम दूसरे को गिरते हुए देखने से मजा आता है जब खुद गिरते हैं तब गिर के हंसिए बात यह है कि भाई बहनों आज को परमेश्वर के कलाम हमें सोचवाने में मजबूर करना है इट इज टुडे टेकिंग दिस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड वांट्स अस टू रैप आवर थॉट्स अराउंड थिंग्स ऑफ गॉड परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी सोच हमारी वो अच्छी चीज के प्रति हो जो कदम कलाम से आता है आमेन जब आप अच्छे सोचेंगे तो अच्छे होंगे आप बुरे सोचेंगे बुरे होंगे मेरे बीच में एक औरत आती थी ब्रदर जो स्लीप हुई सर जस्ट लेट मी नो आई विल गो टू द हाउस रैप अप द हस्बैंड रैप अप द वाइफ एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड वॉक आउट विदिन 5 मिनट्स जस्ट ब्रदर सी वंस आई सेड नो 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 दिस नो वन शुड यू जस्ट टेल मी ब्रदर सी व्हाट आई कैन डू I'll tear up the clothes around me to bring her and put her on the street and I'm going to throw everything on the house. Just say once. I said, no, destructive nature. He gave way. It's not the nature of so powerful. जब मोहल्ले में झगड़ा होता तो दो तीन औरत जाकर बाकी औरतों को चलो चलो हम लोग भी चलो 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 अच्छा लगता झगड़ा करने में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आदमी उनको पसंद हो जाते खड़े हो जाते क्योंकि ये सोच में ये आचरण में दिखाई नहीं दे रहा है जो सोच में है बार बार झगड़ा करना बार बार उंगली उठाना बार बार बातें करना ये आचरण में है इट इज देयर इन द माइंड इस तरह का लोग जब सोता भी है तो कभी कभार कुछ कुछ कहते हैं ब्रदर जब भी मेरा पति सोता ये दांत मारता है मुझे मैं तुझे तो आगे तो फुटबॉल खेलता था हाँ ब्रदर ये रात को भी फुटबॉल खेलता था बीवी को दांत मार के गिरा के तो कुछ कुछ औरत होते हैं सोते सोते चोर 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 ऐसे ही बहुत सारे लोग लेकिन उसके जहन में कुछ कुछ नींद में उठ के चलना शुरू करते हैं उसके जहन में अब अपने होश में नहीं है मगर जहन में जो है वो वही कर रहा है आपके जहन में जो होगा वही करेगा आपके जहन में यीशु मसीह है आपके जहन में वचन है आपके जहन में स्तुति आराधना है अब घर से निकल के आ गए यहाँ पर क्योंकि आपके जहन में वसी है गॉड इज देयर और जो खुदा आपको वहां से आपके घर से यहाँ ला सकता है वो खुदा यहाँ से आपके स्वर्ग में मिलेगा वो अपना काम शुरू कर चुका है जो खुदा आपके दुख के जिंदगी में प्रवेश कर चुका है वो आपके जिंदगी में मुस्कुराहट से भर देगा आपके जिंदगी को कभी ये नहीं कहा अच्छा बेचारा लग रहा है कोई बात नहीं और चल गया ऐसा कभी मसीह के साथ हुआ नहीं इतने था that he gave them he did nothing उसने घुसा पतरस के घर में पतरस की सांस बीमार थी नहीं कहा मेरी सांस के ऊपर दुआ करो उसे कहा बोला नहीं कहा मैं ठीक नहीं
चंगा ही दाखिल नहीं, उसने चंगा नहीं किया था। वो अंधे मसीह के पास आए, उसने कहा क्या उसके मैं रोशनी चाहता, उसने उसे रोशनी दी क्योंकि वो जला भी खुदा। आज आप क्या चाह रहे हैं?